सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। समस्त प्रवासी राजस्थानियों से जो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश तमाम इलाकों के अंदर जो काम करने के लिए लंबे समय से हमारे रहे, मैं सबसे अपील करता हूं कि कोरोना महामारी को हराने के लिए हमें हमारे घरों के अंदर ही लॉकडाउन करना है। जिस तरह जनता कर्फ्यू का आपने पालन किया था प्रधानमंत्री जी की पहल पे, उसी तरह लॉकडाउन का 21 दिन तक हमें पालना सुनिश्चित करनी है, इस महामारी को भगाना है, क्योंकि भारत पर ही विश्व की उम्मीद टिकी। अगर भारत के अंदर ये महामारी फैल गई तो विश्व की आधी से ज्यादा आबादी खतरे के अंदर आ जाएगी। मैं पुनः मेरे भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने घरों पर रहें, और जो लोग सड़कों पर निकल गए गुजरात के बॉर्डर पे, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे, उन वहां की सरकारों से मेरी अपील है, गुजरात की सरकार से, महाराष्ट्र की सरकारों से, कि आप उन लोगों के रहने करने खाने की व्यवस्था करें। और जो लोग राजस्थान की सीमा के अंदर आ गए, वो राजस्थान की सरकार से कल भी हमने अपील करी, आज भी मीडिया के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि उनको सुनिश्चित रूप से उनके घरों पर मेडिकल चेकअप कराने के बाद ही पहुंचाएं। और विशेषकर नौजवानों से मेरी अपील है कि नौजवान इस कोरोना को भगाने के लिए आगे आए। समस्त नौजवान एक एक गांव के अंदर तय कर लेंगे कौन व्यक्ति बाहर से आया, कहां तकलीफ है, किस तरह के संबंधित उसको उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था करें। और भामाशाहों से और उद्योगपतियों से मेरी अपील है, जो प्रवासी राजस्थानी है, वो तमाम राजस्थान के साथ साथ अन्य प्रदेश के लोगों का भी खाने पीने का ध्यान रखें। संकट के समय के अंदर आप लोग घबराएं नहीं, हिम्मत रखें। जैसे ही सरकार की दूसरी गाइडलाइन राजस्थान सरकार के दिल्ली की आएगी तो हम आपको अवगत कराते रहेंगे समय समय पे। मीडिया के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि आप सब लोग इसकी पालना करें, लॉकडाउन रहें। और भाइयों, इस संकट की घड़ी के अंदर आप सब लोगों को मिलकर ही इसको हराना है, क्योंकि जब अमेरिका, जर्मनी, इटली, चीन जैसे हमसे बहुत आगे जो साइंटिफिक देश है, वो जब इस कोरोना वायरस पे काबू नहीं पाए तो हमें यहाँ इस महामारी को गांव तक नहीं पहुंचने देना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं माता रानी से अपील करता हूं कि ये अभी नवरात्र है, तो माता जी नवरात्र के अंदर माता जी की कृपा हम सब पे बनी रहेगी। इस वायरस को भगाने के लिए सब लोगों को एमपीएल करनी होगी, सरकारों के निर्देशों की पालना करनी होगी। मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूं कि जो नजदीकी स्टेट के अंदर जितने भी भाई हैं उनको जैसे ही मौका मिलेगा हम लोग तुरंत फुरंत अपने अपने घरों पर पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन लॉकडाउन का हमें ध्यान रखना, कई लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि 3 महीने तक नहीं खुलेगा, 6 महीने तक। अगर 21 दिन आप लॉकडाउन की पालना करेंगे तो 3 महीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सारे मेरे भाइयों से फिर अपील करता हूं, प्रवासी राजस्थानी भाइयों से, घबराए नहीं, हिम्मत से काम ले। संकट के समय के अंदर इस महामारी को भगाने के लिए आप सब लोग मिलकर आगे आए, यही मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र अपील है। आप सब सुरक्षित रहें, घरों में रहें, और अपने भाइयों का भी ध्यान रखें, खुद का भी ध्यान रखें, देश का ध्यान। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।